दोस्तों वो दिन दूर नहीं, आप लोग देखिएगा कि शुक्ला मोबाइल दुनिया में सबसे अनरिलायबल मोबाइल होगा। सर अनरिलायबल नहीं, रिलायबल होगा। हाँ रिलायबल तो होगा ही, क्योंकि शुक्ला मोबाइल है। तो फिर आपने अनरिलायबल क्यों बोला? अब वो क्या है कि कभी कभी लगे और कभी एकदम ना लगे। यही तो, फिर लोग फोन लेंगे क्यों? क्योंकि सस्ता है। आप मार्केट में देखिए, एक कॉल का 2 रुपए लगता है और हम 50 पैसे ले रहे हैं। फिर सर इतने सस्ते में मोबाइल बेचेंगे? मम्मी का सपना था ना। क्या था? डालो दुनिया जेब में, हर पान वाला, हर दूध वाला, हर कपड़े वाला, इनको जो है मोबाइल फोन का डीलर बना दो। इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि लोगों को लगे कि इससे सस्ता कोई फोन ही नहीं है। मतलब अब पान वाला मोबाइल फोन बेचेगा? अब पान वाला सिर्फ मोबाइल फोन ही बेचेगा, हम मोबाइल को एकदम पान के लेवल पे ले आएंगे। मम्मी का सपना था ना। नहीं पर सर। नहीं यार, पर मत कुछ करो, ओनली शुक्ला मोबाइल, चाहे लगे चाहे ना लगे। हाँ क्या सर? एक फोन देना, 2 मिनट देना सर, एक मुझे दे दे। अरे ऊपर चलो क्या? एक 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 चुप रहो यार, एक सेकंड। एक फोन चाहिए था। ले लो, लो ये लो। नहीं नहीं, मुझे फॉर्म नहीं, मुझे फोन चाहिए। तो फॉर्म भरोगे तभी तो फोन मिलेगा ना। अच्छा कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं तो 6 महीने से शुक्ला फोन का वेट कर रहा हूँ ना। हाँ डोंट वरी, अगले 6 साल तक फोन लगने का वेट करना। जी क्या? नहीं कुछ नहीं, देखो भी हमारी दो स्कीम्स हैं, एक में 5,000 भरो और फोन फ्री, और दूसरी में 25,000 भरो और फोन के साथ बिल भी फ्री। बिल कब तक फ्री? पूरी लाइफ। किसकी पूरी लाइफ? कंपनी की। कंपनी? नहीं नहीं, आप तो मुझे वो 5,000 वाली स्कीम दे दीजिए। ठीक है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स देने होंगे। ये साथ लेके आया हूँ ना मैं। ओह वेरी गुड, तो ये सब भर के उषा जी के पास जमा करा लो, फोन ले लो। जी थैंक यू। थैंक यू नहीं, डालो दुनिया जेब में, डालो दुनिया जेब में। मैं नहीं दूंगा। ये लो यहाँ साइन करो, और ये लो फोन, डालो दुनिया जेब में। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। यही तो, समझो पत्थर के दाम हीरा मिला है। अच्छा यही तो, और फिर 1 महीने के लिए सारे कॉल्स फ्री, कहीं भी फोन करो देश विदेश। 1 महीने के लिए फ्री? यही तो। लेकिन मेरे तो सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं। अरे तुम पीसीओ बना दो ना, लोगों से फ्री फोन कराओ और एमटीएनएल से आधे दाम लगाओ। अरे वाह, ये तो वाकई डालो दुनिया जेब में। मैडम इस देश की जनता आपको इस फोन की वजह से कभी भूल नहीं पाएगी। थैंक यू सर। पहले ही हफ्ते में 2 लाख फोन बिक चुके हैं सर। क्या? यही तो सर, लोग मोबाइल आलू प्याज की तरह खरीद रहे हैं। कई पान वाले रातों रात अमीर बन गए। क्या बात कर रहे हो पांडे जी, इसी बात पर 4 चौरसिया घर से पान लिया यार। नहीं नहीं, वो तो सुबह सुबह ही दुकान बेच के चला गया। कहाँ चला गया बे? दुबई। अरे हमारे शुक्ला मोबाइल से इतना कमा लिया? हाँ उसने पता नहीं कितनों को मोबाइल पे चूना लगा दिया। देखना अब सच होगा मम्मी का सपना, हर एक के हाथ में होगा शुक्ला मोबाइल फोन, वो भी उसका अपना। बस कर यार, कितनी बार फोन मिलाएगा? अरे मुसद्दी भैया लगेगा तो ना, 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, बस एक ही बात बोली जा रही है, डालो दुनिया जेब में, डालो दुनिया जेब में। अरे हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है, मेरे भी ना पिछले 15 दिन में बड़ी मुश्किल से 15 फोन लगे होंगे। या तो मैं फोन करता हूँ तो सामने वाला आउट ऑफ रेंज रहता है, या वहां से फोन आता है तो मेरा फोन आउट ऑफ रेंज रहता है। मुसद्दी लाल जी, इससे पहले कि आप आउट ऑफ रेंज हो जाएं, मेरी एक सलाम आनी है, ये मोबाइल वापस कर दीजिए। बात तो तेरी ठीक है, कल ही जाता हूँ मैं शुक्ला मोबाइल के ऑफिस। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये विरोधी मोबाइल कंपनी वालों की चाल है कि वो हमारे मोबाइल के सिग्नल बीच में ही काट देते हैं। पर जब हमारे सेल पे कोई फोन करता है तो भाई कनेक्शन क्यों नहीं आते लाइन? उनके सिग्नल हम काट देते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप हमारी नई स्कीम देखिए, शुक्ला हैप्पी बर्थडे स्कीम। क्या स्कीम है? 11 रुपए में मोबाइल फोन। क्या? जी हाँ, शुक्ला जी फोन को पान के भाव में लाना चाहते हैं। अच्छा, ये उनकी मम्मी का सपना था। बोले कितने फोन बुक कर दूं आप लोग? बाद में बुक करना फोन, तुम पहले ये फोन वापस कर लो। ये दिया क्या है मुझे, ये है क्या? ये मोबाइल फोन है? मोबाइल नहीं है तो रेडियो है, गाना बजता रहता है इस पे, डालो दुनिया जेब में, डालो दुनिया जेब। देखिए देखिए, आप ये बताइए आपका प्रॉब्लम क्या, गुस्सा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम बताइए। भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ से फोन लगाता हूँ तो या तो वो बंदा आउट ऑफ रेंज रहता है, जब वो मुझे फोन लगाता है तो मैं आउट ऑफ रेंज रहता हूँ। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? घर पे रहता हूँ। घर पे तो रहते हैं, एरिया कौन सा है आपका? किदवई नगर।
सर वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे किदवाई नगर में है, गोविंद नगर में भी है। नहीं वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाजपत नगर में भी है। थोड़ा तो वहाँ भी है सर। और ये टीटी नगर में भी है। थोड़ा सा वहाँ भी है। स्वरूप नगर वहाँ भी थोड़ा सा है सर। तो कहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम? क्या देखिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेटिंग का प्रॉब्लम था, अब सब सेट हो गया है। अब प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ। अब आप तभी आइए जब प्रॉब्लम होगा। अरे अभी तो आपने कहा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अरे प्रॉब्लम नहीं होगा इसीलिए तो कह रहा हूँ। थैंक यू, डालो दुनिया जेब में। आप लोग ये बताइए क्या कह रहे थे आप लोग? डालो दुनिया जेब में। तो कहाँ है आपकी जेब? जी जी सर, बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। हाँ सर, लोग फोन बुक करने भी नहीं आ रहे। यही तो सर, जो बिक चुका वो बिक चुका, कोई पान वाला भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। चुप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरे मम्मी के सपने को तोड़िए मत। आप लोग कुछ भी करिए, डाल दीजिए दुनिया जेब में। सर एक काम करें, प्राइस कम कर दें। लीजिए प्राइस कम कर दें। अरे पहले ही इतना रेट कम कर चुके हैं उषा जी, अब कम करेंगे तो हम कम नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, डोंट वरी, हम पल्स रेट बढ़ा देते हैं, थोड़ा यहाँ घटा देते हैं, वहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, कल से पल्स रेट बढ़ा दीजिए। पहले के कस्टमर चिल्लाएंगे, हमें इस बात का डाउट है। आपको डाउट है? हमें पूरा यकीन है। हेलो, हाँ दिनेश मामा, हाँ डिलीवरी कब है? हेलो हेलो, हाँ मामा डिलीवरी कब है? हेलो, हाँ मैं बोल रहा था। अरे इतनी देर में तो डिलीवरी हो गई होगी, तुम तब से हेलो हेलो कर रहे हो, चले जाते तो बच्चे का मूवी देख लेते। आवाज ही साफ नहीं आ रही इसमें। हाँ तो शुक्ला फोन से फोन करोगे तो यही होगा। आप कौन है, सेल लेंगे क्या? जी नहीं। ले लो, बढ़िया स्कीम आई है। वापस करने के लिए आया हूँ। अरे क्यों वापस करने आए, लोग बाग एक दूसरे की जान लेने पे तो नहीं इस फोन के लिए, और आप वापस कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों इंडिया से बाहर जा रहे हैं क्या? क्योंकि हमारा फोन इंडिया छोड़ के कहीं और जगह काम नहीं करता। अरे इंडिया में तो ठीक से काम नहीं करता, बाहर क्या काम करेगा? प्रॉब्लम क्या है आपका? हमें धोखा दिया गया। किसने दिया धोखा? आप लोगों ने। हमने? हाँ, जब सेल बेचा था तब पल्स रेट कम था, अब एकदम पल्स रेट बढ़ा दिया, इतना लंबा बिल आया देखिए। बिल भर दिया क्या? अरे बाहर में गया बिल, मैं वापस करने के लिए आया हूँ, अपना पैसा वापस लेने के लिए आया। इसके लिए आप उषा जी से मिलिए। ये उषा जी कौन है, कहाँ बैठती हैं? ये वही हैं और वहीं बैठती हैं। वही हैं और वहीं बैठती हैं? जी हाँ, वही हैं जिनसे आपने फोन लिया था, वहीं बैठती हैं जहाँ से आपने फोन लिया था। ओके मैडम, मेरा फोन। एक मिनट, सबका नंबर आएगा, सबका आएगा। नहीं, मेरा फोन। अरे एक मिनट, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये फोन प्रॉब्लम है। लगता नहीं? नहीं लगता है। तो फिर वापस करने क्यों आए? नहीं वापस करने नहीं आए, वो ये देखे ना, वो आपकी स्कीम है, शुक्ला हैप्पी बर्थडे हंगामा, वो 11 रुपए वाले जी वो लेने आए हैं। तो उसके लिए 11 रुपए वाला लेना पड़ेगा। यही तो, जाओ पटेल जी के पास जाओ और फॉर्म भरो, जाओ बैठो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे ये फोन सरेंडर करना। क्यों? क्योंकि मुझे धोखा दिया गया। किसने दिया? आपने दिया। हमने दिया? हाँ। तुमने लिया क्यों? जी हमने दिया तो तुमने लिया क्यों? मैं लिया क्यों? अच्छा तो गलती हो गई इसलिए वापस देने आया हूँ। क्या? आपका धोखा, ये सेल जब बेचा था तो बड़ी उम्मीदें दिखाई थी हमें, कहा था कि फ्री एसटीडी है, सिर्फ शुक्ला टू शुक्ला फ्री एसटीडी है। यही तो। फिर पल्स रेट बढ़ा दिया आपने, 30 सेकंड था 15 सेकंड कर दिया। नहीं चाहिए मुझे, आप ले लीजिए इसे। नहीं नहीं नहीं, हम मानते हैं कि हमने पल्स रेट बढ़ाया है, पर फिर भी ये बाकी मोबाइल से तो सस्ता गिरता है ना, इसमें SMS फ्री है, जाता ही नहीं, इनकमिंग फ्री है, आता ही नहीं, इसमें गेम्स है, खेलो ना। अरे 2 महीने से गेम ही तो खेल रहा हूँ। अरे इसमें रेडियो है, सुनो। अरे रेडियो पे एक ही गाना आता है, डालो दुनिया जेब में, डालो। नहीं, 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 अभी नया वाला भी आता है ना, हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी। मुझे इतना महंगा रेडियो नहीं खरीदना है भैया, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं दूसरी किसी जगह से फोन ले लूंगा। एक मिनट, हमारे पास दूसरी भी स्कीम है, वो हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी हंगामा, 11 रुपए में फोन। 11 रुपए में फोन? यही तो। 11 रुपए में इतना सस्ता? यही तो। क्या है, शुक्ला जी की मम्मी का सपना था कि हर एक आदमी के पास मोबाइल हो, इसलिए उन्होंने इतना सस्ता करा दिया। अच्छा, मगर इसके अंदर कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है? काफी हिडन है। है क्या? अब नहीं है। तुम पटेल जी के पास जाओ, वो 11 वाला लेके बाकी का पैसा वापस कर देंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको पता नहीं है मैंने 5000 रुपए दिए थे इसके पहले? मुझे पता है, पहले पहले हमने आपको बनाया था। क्या? कस्टमर बनाया था ना। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फोन सरेंडर कर लें और वो दूसरी वाली स्कीम वाला मुझे दे दें। कौन सा वाला? वो है ना 11 रुपए में शुक्ला हैप्पी बर्थडे स्कीम। बहुत अच्छा है वो। लेकिन ये भी रखो ना, इसे क्यों वापस करना चाहते हो आप? तो फोन का क्या करूंगा? एक घर पे रखो, एक हाथ में रखो। घर पे लैंडलाइन है। लैंडलाइन कटवा दो। है क्या? हाँ। अरे क्या है, शुक्ला फोन टू शुक्ला फोन फ्री है ना, तो ये सस्ता पड़ता है, बहुत लोगों ने किया है ऐसा। नहीं नहीं, आप इसको वापस कर लो बस। नहीं नहीं, देखो दोनों रखो ना, मेरी बात मानो, डालो दुनिया जेब में। एक जेब में है दुनिया। एक पैंट की जेब में डालो, एक शर्ट की जेब में डालो। ए यार पटेल साहब, आप इसको वापस क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरे वाला ले रहा हूँ ना। नहीं, आप समझिए, दोनों रखेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या है, शुक्ला फोन टू शुक्ला फोन फ्री है ना, तो घर से बीवी फोन करेगी
तो लोकल भी फ्री, एसटीडी भी फ्री, मतलब बीवी का तो ऐसी है। बीवी नहीं है मेरी। तो कर लो। फोन लेने के लिए मैं बीवी कर लूं? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक फोन के साथ एक बीवी फ्री दे दीजिए? सुपर आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया। आप ऐसा करो, आप अपनी जन्म पत्री यहाँ छोड़ जाओ। यार ये वापस कर लो ना तुम। अरे दोनों रखो ना, एक शुक्ला फोन किसी काम का नहीं है। तुम वापस कर रहे हो क्या? अरे आप तो नाराज हो गए भाई, शांत हो जाइए। देखो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आप एक फोन रखोगे या तो दोनों रखोगे। दोनों रखे तो अच्छी बात है, एक फोन रखा तो दो बातें होगी, या तो कोई लैंडलाइन से फोन करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा या तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता क्यों पड़ेगा भाई, लैंडलाइन से मोबाइल के फोन कितने महंगे हो गए आजकल। और अगर महंगा पड़ा तो भाई दो बातें होगी, या तो वो दोबारा आपको फोन करेगा या तो नहीं करेगा। बार बार क्यों कोई फोन करेगा, और नहीं किया तो दो बातें होगी। धीरे धीरे सब लोग आपको फोन करना बंद कर देंगे, पूरी दुनिया में अकेले हो जाएंगे आप, कोई आपसे बात नहीं करेगा फोन पे, फिर सोच लेना। अरे मत करे यार, सामने बैठ के तो बात करेगा मुझे। कहाँ कोई करता है आजकल, आजकल लोग बैठते किसी और के साथ हैं और बात किसी और से कर रहे होते हैं। क्या होगा तुम्हारा? आप इसको सरेंडर कर लीजिए और वो चेक्स जो है मेरे वो मुझे वापस लौटा दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप सरेंडर लेटर शुक्ला जी को दे दीजिए और वो साइन कर देंगे तो हम आपको सब कुछ वापस लौटा देंगे। कहाँ है ये शुक्ला? देखिए भाई साहब, ये मेरी मम्मी का सपना है, पराया माल अपना है। आपको कैसे पता? अरे ये फोन सरेंडर कर लीजिए आप। अरे क्यों क्यों सरेंडर क्यों करा रहे हैं भाई, अभी तो मौसम हुआ है, दिन में एक दो फोन तो गलती से लग ही जाते हैं। धोखा दिया आपने हमें। आपको कैसे पता? पहले शुरू में पल्स रेट आप लोगों ने कम रखा, उसके बाद पल्स रेट बढ़ा दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये तो इलीगल है भाई। सॉरी भाई साहब, आपने फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ा। फॉर्म इतना बड़ा लंबा चौड़ा 4-5 पेज का कौन पढ़ता है भैया? सस्ते में चीज मिल रही हो तो ज्यादा पढ़ता नहीं है आदमी। लात खा गए? अरे लात कहाँ खाने लग गए, हम कह रहे हैं यही तो मात खा गए। अगर आपने फॉर्म ठीक से पढ़ा होता तो उसके 16 नंबर पेज के 28 नंबर कॉलम में 3 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? कि शुक्ला मोबाइल कंपनी कभी भी कोई भी स्कीम चेंज कर सकती है। क्या, लेकिन आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए। फिर आपने भाई साहब फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ा, अगर फॉर्म ठीक से पढ़े होते तो उसके 18 नंबर पेज पर उसके 18 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि कस्टमर को स्कीम चेंज करने की जानकारी उसके फोन बिल के साथ सरप्राइज रूप में मिलेगा। ये तो गलत है भैया, सरासर बेईमानी है। अब तो मतलब डबल बिल आ रहा है मेरा, आप लूट रहे हैं हमें। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने लास्ट पेज की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? मेरी मम्मी का सपना, पराया माल अपना, डालो दुनिया जेब में। अरे डालो दुनिया जेब में तो हमारे लिए था भाई। नहीं नहीं, आपके लिए सिर्फ फोन था, जेब तो हमारे लिए था ना। अच्छा मतलब ये नए पल्स रेट से जो बिल आएगा वही आप लेंगे? करेक्ट। ये फोन सरेंडर कर लीजिए आप। करेक्ट। और जो 12 चेक 900 रुपए के मैंने आपको दिए थे वो मुझे लौटा दीजिए। 6 चेक क्यों? अरे आपने जो 18 नंबर पेज पर 19 नंबर कॉलम की तीसरी लाइन नहीं पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? कि कस्टमर जब भी अपना मोबाइल फोन वापस करेगा हम उसको आधा चेक देंगे। यार ठीक है तो आधा ही दे दो। तो ठीक है, पांडे जी के पास जाइए, फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर हमारे पास आइए। पांडे जी के पास? जी हाँ। फॉर्म चाहिए? जी हाँ। नया फोन लेना है? नया फोन नहीं लेना है, वापस करना है। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अब मैं अपनी कहानी ना पूरी दुनिया को सुनाता नहीं फिर सकता हूँ, बस एक फॉर्म दे दीजिए आप। ठीक है हमारा ये लीजिए फॉर्म, नया फोन भी दे दूँ फोन के लिए? नया फोन? जी हाँ, शुक्ला जी हैप्पी बर्थडे ऑफर। शुक्ला जी हैप्पी बर्थडे ऑफर? 11 रुपए में फोन। 11 रुपए में फोन? हाँ। अच्छा लाओ दे दो फॉर्म। ये लो। ये दोनों फॉर्म जमा कहाँ पे करने हैं? पटेल साहब के पास। पटेल साहब के पास। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड किया ना कि नया लेना है और पुराना देना है? जी हाँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हमारा काम है साइन करना, साइन कर दिए और ये ले लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये मिलेगा मुझे कब? नहीं वो अभी शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अगले हफ्ते आना। तो रिफंड का चेक? वो भी अगले हफ्ते साथ में ले लेना। ओके ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आता हूँ, फोन भी ले लूंगा और रिफंड का चेक भी ले लूंगा। ओके। रेल साहब जी, फोन चाहिए? जी हाँ। ये फॉर्म भरिए प्लीज। नहीं नहीं, फॉर्म तो मैं भर गया था, आपने पहचाना नहीं, मैं मुसद्दी लाल, मैं वो फोन सरेंडर करने के लिए आया था और चेक अपने वापस लेने के लिए आया था, आपने कहा था अगले हफ्ते आ जाना। हाँ तो अगले हफ्ते आइए। नहीं वो तो आपने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि अगले हफ्ते आना, अब ये बता दीजिए कि फोन कहाँ मिलेगा और चेक कहाँ से रिफंड होंगे? कुछ नहीं मिलेगा यार, जो कुछ देना है उषा जी देगी। उषा जी से जाके ले लेता हूँ। मुसद्दी लाल आगे क्या है? अलग है। नहीं अलग नहीं, आगे क्या है? अलग है। नहीं अलग नहीं, आगे क्या जोड़ते हैं? अलग अलग जोड़ता हूँ। अरे कमाल के आदमी, कब से मैं पूछ रही हूँ आगे क्या जोड़ते हैं, अलग अलग करते जा रहे हैं। अरे कमाल की औरत है, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ अलग अलग, फिर भी आप पूछ रही हैं। अरे तुम्हारा सरनेम क्या है? अलग है। तुम्हारा सरनेम अलग है? हाँ मेरा सरनेम अलग है। बड़ा ही अलग है। जी हाँ। तब
तभी तो ये फॉर्म अलग पड़ा है। ये लो फोन। ये वाला फोन नहीं लूंगा, ये तो मैंने अभी वापस किया। ये तो? तो नया चाहिए मुझे तो। तो ये नया नहीं है? नहीं नहीं, एक महीना यूज किया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, तो ये लो। ये नया है? ये महेंद्र वर्मा ने 2 महीना यूज किया है। महेंद्र वर्मा कौन है? मुझे क्या पता कौन कब कैसे लौटा के जाता है। नहीं, आप ऐसा कीजिए, वही वाला मुझे वापस कर दीजिए। अब कौन सा किसी को पता चलने वाला है कि नया है कि पुराना है ना। हाँ, लाओ। नहीं, आप लाओ। मैंने तो दिया ना, आप लाओ 11। अरे हाँ, ये लीजिए 11। अब आप लाइए। क्या रिफंड के पैसे? वो तो एडजस्ट हो गए ना। एडजस्ट हो गए? हाँ, मतलब वो अभी 11 वाली स्कीम में लिया है तो 5,000 तो उसका भरना पड़ता है ना। क्या? हाँ, एडजस्ट हो गया वो। हाँ, मतलब जो दिया वो रिफंडेबल है। जो आप लौटाओगे तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन मैंने तो सेल इसलिए लिया था क्योंकि वो 11 रुपए में मिल रहा था। तो 11 में तो मिला ना, तुमने कहा कुछ और दिया है। नहीं, मेरे रिफंड के पैसे। भैया, वो तो सेल लौटाने के बाद ही मिलेंगे ना। अच्छा, सेल लौटाने के बाद? लो, वापस ले लो। लो, लो। सोच लो। सोच लिया तो वापस दो। लो, ये लो मेरे 6 चेक। अरे, आपने 6 नंबर के पेज पे, 18 नंबर के कॉलम पे, 19 नंबर की लाइन नहीं पढ़ी? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा था उसमें? लिखा था 11 रुपए वाली स्कीम में सेल वापस देने पर सिर्फ 11 रुपए वापस मिलेंगे। क्या? यही तो। तो गलती हो गई महाशय, आपको फॉर्म पूरा पढ़ना चाहिए था। नहीं नहीं, पूरा फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म के आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन पढ़ लेनी चाहिए थी। मेरी मम्मी का सपना, पराया माल अपना, डालो दुनिया जेब में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.